दोस्तों नमस्कार, प्रणाम है। आज हम लोग पटना में आए हुए हैं और संयोग से बहुत पुराना इंजन देखने को मिला। जब हम लोग पढ़ा करते थे उस समय ये इंजन हुआ करता था, अब ये 100 पीस बनकर रह गया है। अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, डीजल इंजन आ गया, लेकिन कोयले वाला इंजन अब नहीं रह गया। इसमें आइए जरा आगे बतावें इसके बारे में। इसमें ड्राइवर हुआ करते थे और इसी में ड्राइवर बैठा करते थे और यहीं से इधर कोयला और पानी भरा रहता था इधर वाले पोर्शन में, और यहीं से कोयला वो दिखाई दे रहा है, ढक्कन लगा हुआ है, उसी में कोयला डाला जाता था और ये इंजन स्टार्ट हुआ करता था। लेकिन आज केवल 100 पीस रह गया है। अब यह इंजन कहीं पटरी पर नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ भी स्टेशन पर मिलेगा 100 पीस के रूप में, यादगार के रूप में रखा हुआ है। जबकि कभी हम लोग इससे सफ़र किया करते थे, आज डीजल इंजन से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंजन से कर रहे हैं, लेकिन ये इंजन हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। और बगल में ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर और विघ्नहरण हनुमान जी, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ भंडारा भी चलता है। ये लोग अयोध्या मंदिर में भी काफ़ी सहयोग करते हैं, वहाँ का भी भंडारा इन लोगों के सहयोग से चल रहा है, सुनने में आया है। अब तो थोड़े देर में यहाँ के मुख्य पुजारी से हम मिलेंगे तो पूरी जानकारी मिल पाएगी। अभी जो अल्प जानकारी हमारे पास है इस मंदिर के बारे में, बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़े देर में ऑफिस खुलने पर हम पुजारी से बात करेंगे और आप लोगों को पूरा डिटेल बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोज।